एग्जीक्यूटिव सुप्रीम कोर्ट के इख्तियारन में मुदाखलत न करे, जज के तोहिनी अदालत की दरख्वास्त में धुर न तो बनाए सकजे। अटॉर्नी जनरल साहब चीफ जस्टिस से इल्ज़ाम हड़ी बेंच का धार थियण लाए न तो चई सकजे। जज से इल्ज़ाम हड़ी इख्तियार घटाए न था सकजन। मफरूजी ते इहो कीअं थो चई सकजे त चीफ समेत बिन जजन जो मफाद सुलाड़ियल आहे। रुगो इल्ज़ाम की बुनियाद ते जजस मथा एतराज़ नथो करे सकजे। ऑडियो लीक्स कमीशन खिलाफ़ केस की बुधणी दौरान चीफ जस्टिस उमर अताबंदियाल जा रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर चयो आहे त हाण हुकूमत अची चई रही आहे त हीअ जजस केस न ॿुधन। जाच खां सवाइ बयान ॾियण ते उन वज़ीर खे हटायो वञे हा या हू इस्तीफ़ा ॾेई छॾे हा। पीटीआई के वाइस चेयरमैन शामिम कुरैशी अदालती हुकम का अडियाला जेल में आजाद के तन्हाई में एक महीनों गुजारो है। सोचने जो मौको मिलो, अज भी इंसाफ जो झंडो मुझे हथन में है। सुबह तहरीक इंसाफ चेयरमैन से मुलाकात करें, मीडिया से तफसीली गाल बोल कंदस। जेल में आजाद थियण का शामिम कुरैशी जो मीडिया से गाल सन चवण है तो वह कैद में हो, वह संदस कें सा भी राबो न हो। प्रोसिक्यूशन वट के भी पक्का सबूत न हुआ। कौमी इक्तिसादी काउंसिल सजे मुल्क में दुकान रात 8 वगे बंद करण जो फैसलो करे वरतो। तवन्नाई बचाण लाए कमर्शियल एरियाज रात 8 वगे बंद करण जो फैसलो कयो वियो आहे। अमेरिका समेत यूरोप के केतरनि ही तरक्की याफ्ता मुल्कन में कमर्शियल एरियाज 6 खां रात 8 वगे बंद कया वेंदा आहिनि। को असां वांगुरु गैर ज़िम्मेवाराणो लाइफ स्टाइल नथो गुज़ारे। मनसूबाबंदी वारे वफाकी वज़ीर अहसन इक़बाल जी प्रेस कॉन्फ्रेंस ग्रीन एनर्जी के हथी वठराई वी जैसा सालियानो एक अरब डॉलर ताई बचत थी। इक्तिसादी राबता कमेटी 51 दवाओं की कीमतों में वाद की मंजूरी दई छी। नाणे वाले वफाकी वजीर इसाक डार की सदारत हेठ इक्तिसादी राबता कमेटी जो इजलास हैदराबाद सखर मोटरवे लाए 9.5 अरब ए न्यू गवादर इंटरनेशनल एयरपोर्ट मनसूबे लाए 83.91 करोड़ रुपये की मंजूरी। स्टेब्लिशमेंट डिवीजन लाए 12.14 करोड़ रुपये की भी मंजूरी। IMF 6.5 अरब डॉलर की वाद वाली सहूलत तहत 9 ऐं 10 जायजे के गडायण जो इशारो दई छो। बई धुरियो इंदर बजट लाए अंग नखरन के हवाले से वस्ती तर मुहिदो करण में नाकाम रहियो। जरियन मौजूद पाकिस्तान की ख्वाहिश है त स्टाफ लेवल मुहिदे ते सही 9 जायजे की पुजाणी लाए कई वे, पर IMF 9 ऐं 10 जायजे के गडायण जो इशारो दिनो है। वजीर आजम शहबाज शरीफ आलमी मालियाती फंड से हलंदड़ महीने मुआदो थियण की उम्मीद जाहिर कर छी। सन चवणा है अस हाँ पुरुद आयू त IMF प्रोग्राम अमली शक्ल इख्तियार कर वरतों। IMF फंडिंग हासिल कर पाकिस्तान समूरा कदम मुकम्मल कर चुको है। इराक यात्रा से पहुंचल परडेही वजीर बिलावल भुट्टो जरदारी जो इराकी वजीर ने सियासी अगवाणन से मुलाकातों। बिलावल भुट्टो जरदारी जो इराक के पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद रिकानुल हलवूसी, घरू वजीर अब्दुल मीर तुल शमरी ए इराक के हिकमत पार्टी के सदर अमार हकीम से मुलाकातों। अवामी लागापन में इजाफे लाए सहकार बढ़ाने के इतफाक। इराकी घरू वजीर से मुलाकात में पाकिस्तानी ज्यारतियन ए व्यापारियन बरादरी लाए इराकी वीज़ा में आसानी ते ख्यालन की डे वठ कई वही। बिलावल भुट्टो जरदारी जो चवण है तो पाकिस्तान इराक विच में अवामी लागापन के हथी वठाण लाए सियासी राबता जरूरी आहिन। बिलावल भुट्टो जरदारी जी बगदाद में इमाम मूसा काजम के रोज़े मुबारक से हाजिरी मुसलमान के इतिहाद ए मुल्की खुशहाली लाए दुआ घुरियो। वजीर आजम शहबाज शरीफ ईंदड़ माली साल की बजट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लाए वो पैकेज तैयार करण की हिदायत कर छी। वजीर आजम की सदारत हेठ IT एंड टेलीकॉम बजट तजवीजन के इजलास। फिक्स टैक्स रिजीम आने जो वो फैसलो। वजीर आजम फिक्स रिजीम लाए फौरी सिफारिशों पेश करण की हिदायत कर छी। इजलास में IT शोबे में नव कारोबार शुरू करण के खास मरातू दियण की उसूली मंजूरी। वजीर आजम का चवण है तो हुकूमत नौजवान की IT शोबे में पेशावरानी तरबियत से वही रकम खर्च कंदी। ईंदड़ बजट में 1,00,000 नौजवान के मेरिट से लैपटॉप फ्राहम कया वेंदा।
ईंदड़ माली साल के वफाकी बजट में दिफा लाए 1800 अरब रुपया मुख्तस करण की तजवीज़। ज़रियन मूजिब नेशनल इकोनॉमिक काउंसिल ईंदड़ माली साल के बजट लाए टारगेट तैयार करे वरता। नाणे वारे वजीर साकदार के वजीर आजम शहबाज शरीफ के ब्रीफिंग बजट में 6000 अरब रुपयन का मालियाती खसारो हों कर्ज व्याज के उगाड़न 7300 अरब रुपया खर्च किया वा। ईंदड़ बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम लाए 438 अरब रुपया मुख्तस किया वा। एफ बी आर लाए 9200 अरब टारगेट मुख्तस किया वा। नॉन टैक्स आमदनी के मद में 2800 अरब रुपयन जो टारगेट मुख्तस किया वो है। बगावत ए सरकशी के सियासी एहतजाज रोनाल्डो नई माफ़ नथो करे सके। 9 मई के वाक़े जो हिसाब देना पवन। गिरफ्तारी का पोए तय थे मनसूबे मूजिब रियासत से हमलो किया वो। फौज से हमला करण का पोए चयो पे वने तो इहो असांजो सियासी एहतजाज हो। वफाकी घर वजीर राणा सनावला जो आज़ाद कश्मीर में तकरीब के खिताब तो चवना तो पीटीआई चेयरमैन सरकशी बगावत की तहरीक हलए रो हो। इन शख्स मुल्क में नफरत और नफेड़ की सियासत के हथी दिनों। लाहौर हाईकोर्ट जिले शाह कतल केस में पीटीआई चेयरमैन की उबूरी जमानत की दरख्वास्त मंजूर करे वरती। पीटीआई चेयरमैन जमानत लाए अदालत में पेश। अदालत 1 लाख रुपये की मचलकन एवज जमानत मंजूर कई। इस्लामाबाद की अदालत बगावत से भड़काने वाले केस में पीटीआई अगवान शहबाज गिल की जमानत न थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी कर छाया। अदालत शहबाज गिल की जमानत रद्द करने वाली प्रोसिक्यूशन की इस्तदा मंजूर कदे जमानत न थियण जोगा गिरफ्तारी वारंट जारी किया। पीटीआई चेयरमैन खिलाफ संगीन गद्दारी केस में पटिशनर ए सुप्रीम कोर्ट जो सीनियर वकील अब्दुलरज़ाक शर कोइटिया में हथियारबंदन हथा मारि वो। एयरपोर्ट रोड से अणजातल हथियारबंदन गोलियों हणी नसीराबाद वासी अब्दुलरज़ाक शर के कतल कर छो। बलोचिस्तान के वे वजीर वाके जो नोटिस वे आईजी का रिपोर्ट तलब करे वरती। वकील के कतल खिलाफ़ वकीलन पारा अदालती कार्रवाई जो बॉयकॉट। वजीर आजम के खास मावन अतावला तार कोयटा में सीनियर वकील अब्दुलरज़ाक शर के कतल जो इल्ज़ाम पीटीआई चेयरमैन से लगाए छो। सर चवण है तो अब्दुलरज़ाक शर के कतल जो जिम्मेवार इमरान खान है। अब्दुलरज़ाक पीटीआई चेयरमैन खिलाफ संगीन गद्दारी केस में पिटिशंस पीटीआई दहशतगर्द जमायत है। पीटीआई चेयरमैन खिलाफ कतल जो केस दाखिल किया वो। कराची के मेयर के लिए शायद पीपल्स पार्टी ने 6 या 7 लोगों ने कागजात नामजदगी भरे थे। कंपटीशन उन 6-7 लोगों के दरमियान था तो पार्टी ने मशावरत के बाद मेरे नाम को फाइनल किया। बिलावल साहब ने कहा कि आपको वो सियासी जमात चाहिए जो इख्तियारात के साथ आए, वफाक के साथ भी, सूबे के साथ भी, कराची की इंतजामिया के साथ बैठ के कन्वर्ज करे, काम करे तो बेहतरी होगी। और मैं समझता हूँ कराची वालों ने बिलावल साहब की उस बात पर लबैक का और अल्हम्दुलिल्लाह हमें उस इज्जत से नवाजा। और इंशाल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको लेट डाउन नहीं करेगी और इंशाल्लाह एक एक चीज़ में आपकी आवाज़ बनेगी। 9 मई का जो वाकया हुआ उस 9 मई के वाकये में दो ये जो नीली गाड़ियाँ थी उनको शारे फैसल पर जलाया गया। वो मेरी जाती मिल्कियत नहीं थी, वो नासिर शाह की जाती मिल्कियत नहीं थी, वो कराची वालों की मिल्कियत थी, आपकी मिल्कियत थी। जैकॾहिं मां मेयर थियुसि त कराची जा मसला हल कंदुसि। मेयर नामज़द करण ते बिलावल भुट्टो ज़रदारी जो थोरायतो आहे। कराची पाकिस्तान जो मुआशी हवा है। शहर में रहंदड़ सभु माण्हू असांजा आहिनि। पी पी सूबे ऐं वफ़ाक में पंहिंजो किरदारु अदा करे रही आहे। सिंध हुकूमत जे तर्जुमान ऐं कराची जे नामज़द मेयर मुर्तज़ा वहाब जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदसि चवणु आहे त पीपल्स पार्टी कराची में वधीक कमु कंदी। हाणे असांखे धरणनि एहतजाजनि इल्ज़ामनि जी सियासत मां निकिरणो पवंदो। सिंध हाई कोर्ट सर्किट बेंच सखर दराजा शरीफ वाके में कतल थी वायल 12 ॼणनि के केस में 4 जवाबदार भाइयों के जमानत आज़ाद करण जो हुक्म दे छो। 2015 में मकानी चूंड दौरान दराजा शरीफ में 12 ॼणनि के कतल 7 ॼणनि के जख्मी वाले केस में गिरफ्तार जवाबदार की जमानत वाली दरख्वास्त बुधनी अदालत जेल हवाले थियल 4 जवाबदार भाइर इख्तियार जुड़ेजो इरफान गुलाम अली और जुबैर जुड़ेजो की जमानत मंजूर कदे खेन आज़ाद करण जो हुक्म दिनों।
गुड्डू वेझो रुजहान मजारी थाने की हद में बनो ए दलाने प्राथवे से बिन धुरन में खूनी तकरार ता हथियार बंदन जे मेडिकल स्टोर ते फायरिंग चार जड़ा कतल गोलियो लगर सबब दाद मोहम्मद बनो गुलाम मोहम्मद इब्राहिम ए अंसर बनो मार से विया मकतूलन जा लाश पोस्टमार्टम लाए तालुके अस्पताल आंदा विया इलाके में दहकाव पखर थी वियो काजी अमन वासी नौजवान साबिर गबोर और ताने आवास से रिची पर नुआकिल माकवा मुगबी नौजवान के वारसन के धाड़ेलन जो फोन 40 लाख रुपया भुंग तलब नौजवान के रालुनी कोशिशों जरिए बाजियाब कराएं लाए वारिस पर नुआकिल पहुंचर टंडोला यार मां वीह ॾींहं अॻु मुबैना तौर अगवा थी वियल ॿिनि भेनरुनि जन्नत ऐं रेशमा जो मामिलो SHO जो इस्पताल में निंगरियुनि जे वारिसनि सां अढंगो रवैयो 20 सेक्शन पुलिस ड्रामाई अंदाज में ॿिन्ही भेनरुनि खे खणी इस्पताल पहुती SHO 20 सेक्शन मुख़्तियार डेरो इस्पताल पहुचंदे मरीज़नि ऐं मुगवी भेनरुनि जे वारसनि ते मुबैना तौर तशदुद ऐं तज़लील कई इस्पताल में छिकताण मुगवी निंगरियुनि जे वारिसनि जा इंतज़ार खैरपुर में एक हफ्तों अग पुरसरार नमूने गुम थी वैल पोरियत रजब जामरी जो पतो न पयो वारसन पारा अगवा जो शक मलीर जे शाह लतीफ टाउन में औरत गुम थी वही है औरत शमा खातून जे मुड़स रुस्तम अली मूजिब सरजाल जो जहनी तवाजन ठीक ना है बस वारन की अपील है तो शमा जी गोल्हा में मदद कई वने GSN कौमी मुहावसी मरकजी सदर ते बेरिया टाउन बेटन ते कब्जन ॿियनि सिंध दुश्मन मनसूबनि थारियुनि जी आबादकारी ऐं धाड़ेल राज ख़िलाफ़ु सिंध जे मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा ऐं रैलियूं कंबर पीरजो ॻोठ फरीदाबाद झुडो कुनरी बांधी सखरण सन सरहाड़ी टंडो मोहम्मद ख़ान समेत ॿियनि शहरनि में बि जस्कम तरफ़ा मुज़ाहिरा कया विया अॻवाणनि जो चवणु आहे त साज़िश तहत सिंध जी तालीम तबाह करे धारियुनि खे आबाद कयो पियो वञे तरक़ी जे नाले ते सिंध जी मिल्कियतुनि ते कब्ज़ो करे धारिया आबाद कया विया आहिनि भिरिया सिटी वेझो रोहिड़ी कैनाल में नौजवान वेहण दौरान ॿुड़ी फौत थी वियो अंबनि जी पटाई कंदड़ पंजाब वासी सिद्दीक बलोच रोहिड़ी कैनाल में ॿुड़ी वियो सांगर में वापडा अमलदारनि जी नाइली सबबु मासूम ॿाड़ो बिजली जो करंट लॻण सबबु फौत थी वियो वासिफ टाउन वासी ॿाड़ो ज़ाहिद रांदि खेॾण दौरान बिजली जे पोल मां करंट लॻण सबबु हयाती विञाए वेठो सनभरसा ॻोठु अली हसन में बिजली जे पोल मां करंट लॻण सबबु नौजवान फोत थी वियो फोती नौजवान यूसुफ खोसो जो लाश घर पहुचण ते कोहराम अची वियो सॻियूं वेझो मासूम नींगर ट्यूबवेल में ॿुड़ी फोत ॻोठु मिठो लक में सतनि वरियनि जो गुलाम मुस्तफ़ा लक पीर तिरकण सबबु ॿुड़ी फोत थियो नींगर खे वारिस सॻियूं इस्पताल खणाया आया जिथे डॉक्टरनि फोत थियण जी तस्दीक कई छात्रोई भरपा सिवन इलाइक़नि में थर जी फितरी सूं पखियुनि में पखिड़ियल बीमारी ते ज़ाब्तो न आयो राणी खेत बीमारी सबबु हिकु हफ़्ते दौरान 12 खां वधीक मोर पखी मरी विया केतिरा ई बीमार ॻोठाइण जो चवण त राणी खेत बीमारी सबबु मोर पखी अखियुनि जो नूर विञाइण खां पोइ तड़पी तड़पी मरी वञनि था जंगली जीवत खातो हंगामी बुनियादनि ते डॉक्टरनि जूं टीमूं मोकिले बीमार मोरनि जो इलाजु करे ऐं अरबी समुंड में ठहंदड़ हवा जो घटि दबाउ शिदत इख़्तियार करे डिप्रेशन में तब्दील थी वियो मौसमियात खाते मूजिबि डिप्रेशन कराची जे ॾखण खां 1500 किलोमीटर परे आहे डिप्रेशन 18 खां 24 कलाकनि दौरान वधीक शिदत इख़्तियार करे सघे थो इम्कानी तूफ़ान उत्तर ऐं उत्तर ओलह तरफ़ हरकत कंदो तूफ़ान मां फ़िलहालु सिंध ऐं बलोचिस्तान जे समुंडी पटरीअ खे को ख़तरो नाहे साइक्लोन वॉर्निंग सेंटर सिस्टम खे मॉनिटर करे रहियो आहे